जहानाबाद के एक गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब असामाजिक तत्वों ने 3 किसानों के खलिहान में आग लगा दिया, जिससे खलिहान में रखे नेवारी के 6 पुंज जलकर राख हो गए। अगलगी की इस घटना में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। घटना बीते देर रात की है। घोसी थाना क्षेत्र के देहुनी गांव की घटना है। घटना की जानकारी तब हुई जब सोमवार सुबह लोगों की नींद खुली। तब तक आग अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। सुबह में आग का धुआं उठता देख ग्रामीणों ने आनन फानन में इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। हालांकि ग्रामीणों ने आग बुझाने को लेकर काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। किसान ने बताया कि अगलगी की इस घटना में लाखों का नुकसान हो गया है, जिससे आर्थिक रूप से उनकी कमर टूट गई है। इधर फायर ब्रिगेड की टीम ने बताया कि होलिका दहन को लेकर वो पहले से अलर्ट पर थे। अगलगी की सूचना मिलते ही मौके पर 2 दमकल की गाड़ी पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। बता दें कि इस घटना में देहुनी गांव निवासी राजेश कुमार, ज्ञान प्रकाश और अनिल शर्मा के 6 पुंज पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। जहानाबाद न्यूज़ के लिए मुकेश की रिपोर्ट। सुबह उठे तो देखे कि हमारे गांज में आग लगा हुआ है। क्या मानते हैं, कैसे आग लग सकता है? आग अपने से नहीं लगा, लगा दिया गया। 12 बजे रात में हमको गांज में आकर के एक छोली तीर लिया गया, निचला वो लगा दिया गया। कितना का नुकसान पहुंचा है? 1,00,000 रुपया के नुकसान पहुंचा है। 1,00,000 का नुकसान पहुंचा है। दमकल की गाड़ी आई थी? हाँ, घर को मिझाने में सुबह आया तो तला सब जल गया है। सब जल गया है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल शर्मा। घर? देवनी। देखिए, डिहरी गांव में आग लगी हुई है। हम लोगों को सूचना मिला फायर स्टेशन में, तो हम लोग पहले से एक घोसी थाना में प्रयुक्त है गाड़ी, वहां से पहली टीम जो आई आकर के फिर यहां देखा और आग को बुझाया। उन लोगों से लगा कि कंट्रोल नहीं होने वाली है, तो वो जो है दूसरी गाड़ी की मांग की। फिर वहाँ से हम लोग 15 मिनट के अंदर यहाँ आए और दोनों टीम मिल करके हम और कुछ ग्रामीणों की सहायता से आज पूर्ण रूप से काबू पाया। कितना का नुकसान हुआ होगा? नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है, अभी पूर्ण रूप से आकलन नहीं किया गया है कितना का नुकसान हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार है, नमनी खड़ी।